खबर ग्वालियर से है। चौंग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी भाजपा के 3 दिवसीय मेगा शो में अपनी एंट्री दे दी है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय और कांग्रेस पर हमला करते हुए अपने समर्थकों को भाजपा में शामिल कराया था। वहीं दिग्विजय सिंह ने उनका जवाब एकदम अनूठे अंदाज में दिया। उन्होंने अपने मोबाइल से सिंधिया के पुराने भाषणों की क्लिपिंग मीडिया को सुनाई, जिसमें वे भाजपा के खिलाफ भी उतनी ही आक्रामकता के साथ भाषण दे रहे हैं जितनी आक्रामकता के साथ उन्होंने कल कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ बोला था। आप भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण सुने, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के खिलाफ क्या क्या बोला। उन्होंने वह भाषण भी सुनाए जिसमें सिंधिया कह रहे हैं कि उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी से मिलकर अंचल को हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट दिलवाए, अनेक ट्रेनें दिलवाई। ग्वालियर में चल रहा है सिंधिया का मेगा शो। कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद भाजपा से राज्यसभा सांसद श्री सिंधिया 6 माह बाद पहली बार ग्वालियर आए हैं। इसको मेगा आयोजन बनाने के लिए उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर 3 दिन का मेगा शो रखा है, ताकि वे भाजपा को अपनी ताकत का एहसास करा सकें। शनिवार से शुरू हुए इस शो में वे 3 दिन में लगभग 2 दर्जन भीड़ भरे आयोजन कर रहे हैं, जिनमें वे संभाग भर के अपने समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी घेर रही है। सिंधिया को अंचल में पहला मौका है जब सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में उनका इतना मुखर विरोध हुआ। हालांकि कांग्रेस राजमाता विजया राजे सिंधिया और माधव राव सिंधिया ने भी छोड़ी थी, लेकिन सड़कों पर विरोध कभी नहीं हुआ, बल्कि स्वर्गीय सिंधिया के साथ तो पूरी कांग्रेस ही चली गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य के साथ ऐसा नहीं हो सका। ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भिंड के जिला अध्यक्षों ने भाजपा में जाने से इनकार ही नहीं कर दिया, बल्कि जब कल सिंधिया ग्वालियर आए तो उनके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ जबरदस्त विरोध किया और गिरफ्तारियां भी दी। और तो और कांग्रेस ने 3 दिन गिरफ्तारी देने का ऐलान भी किया है। आज भी यही प्रश्न हमारे जमीन और हमारे दिल के और आत्मा के प्रश्न है। अगर ये वातावरण निर्मित होगा हमारे देश में, तो हमारा देश नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारी सोच विचारधारा है कि देश हमारे लिए प्राथमिकता, भाजपा के लिए चुनाव प्राथमिकता। चुनाव में पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता जमीनी स्तर। एक आखिरी का तो एक नारा है कि जितना प्यारा किसान को थे उतना प्यारा भाजपा के नेताओं को थे। लेकिन स्वयं अपने जज्बात के साथ, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ पुलिस की बिना परवाह किए प्रशासन के रोकने संबल सभा समाप्त हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जाने से तो कांग्रेस जीवित हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान आ गई है, उन्हें अब खुद इस बात का उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली है। और मेरा ये 50 साल का राजनीतिक अनुभव बताता है कि जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनता तय कर ले तो फिर उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना ही बात कहना चाहता। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।